अब देखिए, द फाइंडिंग्स नोटेड दैट इनफॉर्मल वर्कर्स वेर वर्स्ट हिट एज आउट ऑफ 120 मिलियन हु लॉस्ट देयर जॉब्स, 75% विच अकाउंटेड फॉर 92 मिलियन जॉब्स वेर लॉस्ट इन द इनफॉर्मल सेक्टर्स. 122 मिलियन लोगों ने अपनी नौकरी गवाई इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों मिला करके. 300 इनफॉर्मल वर्कर, जो 300 ऐसे श्रमिक थे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स की जिसका डेटा इनके पास है, उन्होंने अपनी जान गंवाई, उनकी मौत हो गई. और जो कारण थे मौत के वो था भूख, आत्महत्या, रोड और रेल एक्सीडेंट और मानसिक संताप की वजह से. इन सब की वजह से जो मौतें हुई, भूख भी है, सुसाइड भी है, आत्महत्या भी है, मानसिक संताप की वजह से बीमारी उमारी हो गई वो मर गए, और रोड और रेल एक्सीडेंट में जो 300 मजदूरों की जो मौत हुई है इसका आंकड़ा है. और ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का रिकॉर्ड कह रहा है. वो कह रहा है कि जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ उस दौरान वो हुए हैं 2582. ये केसेस रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड केसेस हैं ह्यूमन राइट वायलेशन के. 2582 ह्यूमन राइट केसेस के वायलेशन हुए हैं. आप हैरान होंगे कि शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि ये जो कोरोना वायरस है ये तो इक्वलाइजर बन गया है, सबको इक्वल बना रहा है, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखा नहीं. अब मैं आपको कुछ और रिपोर्ट दिखाता हूं कि कैसे सीएनएन ने उस वक्त क्या रिपोर्ट की है. उनकी भी यही रिपोर्ट थी कि इंडियाज बिलियनर्स गॉट रिचर व्हाइल कोरोना वायरस पुश्ड मिलियंस ऑफ वल्नरेबल पीपल इन द पॉवर्टी. वो भी यही कह रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, इंडियाज बिलियनर्स गॉट रिचर व्हाइल कोरोना वायरस पुश्ड मिलियंस ऑफ वल्नरेबल पीपल इन टू पॉवर्टी. अब ये सारे रिपोर्ट्स 2021 के हैं. अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं. ये लोग उस दौरान क्या क्या कर रहे थे और जब उसके बारे में कुछ कहा गया तो भाई साहब अडानी जो हैं उस दौरान क्या क्या करते जा रहे थे. अडानी की संपत्ति के बारे में सब कुछ आपको मालूम है ही है, लेकिन एक पत्रकार ने कुछ दिन पहले, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली के एडिटर थे, उन्होंने कुछ आर्टिकल लिखा कि क्या अडानी और अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी क्या क्या घालमेल कर रही है, तो उनके साथ क्या हुआ. और जो बड़े बड़े लोग हैं जो ये कहते हैं कि मीडिया की स्वतंत्रता है, मीडिया ने जो कुछ भी चाहा वो करता रहा, तो वो अब हम आपको दिखाते हैं. इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली के एडिटर इन चीफ थे उस वक्त शंकर गुहा ठाकुरता, और हमारे ही चैनल पे उनका लाइव भी हुआ कुछ दिन पहले. वो मुंबई में व्याख्यान दे रहे थे. शंकर गुहा ठाकुरता की बात मैं आपको सुनवाता हूं और फिर मैं रवि नायर की भी बात सुनवाता हूं. ये बहुत जबरदस्त एक्सपोज किया था रवि नायर ने कि कैसे अंबानी समूह जो है देश भर के, अंडा अडानी समूह देश भर के एयरपोर्ट, कितने एयरपोर्ट हैं वो मैं अभी आपको बताता हूं. गुजरात में 4 एयरपोर्ट इनके पास है, मुंबई में 1 है, गोवा में 1 है, केरला में 1 है, तमिलनाडु में 3 है, उड़ीसा में 1 है, बंगाल में 1 है. ये सारे एयरपोर्ट्स इसी दौरान, जबकि महामारी का पूरा तांडव था पूरे देश में और दुनिया में, इस दौरान इनको एयरपोर्ट दिए गए.
किसी ने सवाल नहीं किया। सी पोर्ट्स पूरब से लेकर पश्चिम तक सारे सी पोर्ट्स अदानी ग्रुप के पास है। अदानी ग्रुप जो है कोल माइंस, कोल माइनिंग और कोल को इंपोर्ट करने वाले भी लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं। कोल माइंस का सेकंड लार्जेस्ट है आफ्टर कोल इंडिया। गैस का लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर है। एडिबल ऑयल्स जो आप खाते हैं फॉर्च्यून ब्रांड आप देखते होंगे, फॉर्च्यून ब्रांड द लार्जेस्ट ब्रांड ऑफ एडिबल ऑयल है। लगभग 20-25% मार्केट शेयर है इनके पास। रियल एस्टेट में 300 से बड़े प्रोजेक्ट अडानी के पास हैं। और आज के दिन में जो धारावी प्रोजेक्ट है मुंबई का, जो धारावी स्लम है, उसके रिबिल्डिंग का भी काम इन्हीं के पास है। दाल, चीनी और सेब, इसके भी सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर है अदानी साहब। सीमेंट, सीमेंट के रातों रात ये हो गए रातों रात सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया। सीमेंट का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो गए ये। इंफ्रास्ट्रक्चर में, एनर्जी में, थर्मल प्रोडक्शन में आफ्टर एनटीपीसी, कोल बेस्ड थर्मल पावर में, उसके प्रोडक्शन में एनटीपीसी के बाद सेकेंड लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर है। अब एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं कि किस प्रकार से लोग त्राहिमाम कर रहे थे और हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वयं नरेंद्र भाई मोदी अडानी के लिए लगता है कि काम कर रहे थे। वो मैं आपको कुछ बाइट आपको सुनाता हूं पहले कि कैसे हमारे प्रधानमंत्री अडानी के लिए काम कर रहे हैं। ये कोविड के पहले की बात है, कोविड में वो आकर के सफलीभूत हो जाता है। कोविड का जो पूरा तांडव चला, कोविड में जो लॉकडाउन हुआ, कोविड में जो घरों को बंद किया गया, वो एक ट्रायल था। और ये ट्रायल सिर्फ भारत में नहीं हो रहा था, पूरी दुनिया भर के सरकारों ने ये ट्रायल किया। और इसको फासिस्ट एलिमेंट कहते हैं कि हम देखते हैं कुछ बंदिश लगा करके लोगों में कोई रिएक्शन होता है क्या। अगर लोगों में कोई रिएक्शन होगा तो बैकफुट पर आ जाएंगे, अगर नहीं होगा तो इसको आगे बढ़ा देंगे। क्यों आगे बढ़ाएंगे? आप माफ कीजिएगा, आप जब घरों में कैद रहेंगे, बंद रहेंगे, तो हमें एयरपोर्ट प्राइवेटाइज करने में आसानी हो जाएगी। आप जब घरों में बंद रहेंगे, कैद रहेंगे, तो हमें सीपोर्ट अपने दोस्तों को देने में आसानी। हालांकि ये बात आज ही नहीं हुई है, सीपोर्ट का तो खेल बहुत पहले से है, कांग्रेस के जमाने से है, लेकिन कैसे कैसे मदद हो रहा है। आप जब घरों में बंद रहेंगे तो हम क्या करेंगे कि उनको पावर जनरेशन में कहीं से कुछ एग्रीमेंट करा देंगे।